हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मंटू बबीता चैनल में। उम्मीद करते होंगे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड और बताइए कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों बहुत ठंडा मौसम आज सुबह से है और यहीं से 15-20 किलोमीटर पे हमारा घर पड़ेगा। तो वहाँ पे मम्मी बताएं कि बारिश हो रहा है और इधर देखिए बारिश नहीं, इधर हल्का फुल्का सुबह में मॉर्निंग में वही बूंदाबांदी हुई थी। तो अभी हम लोग घर के बाहर सब लोग चेयर निकाल करके इधर बैठे हुए, देखिए इधर सब लोग बैठे हुए हैं हम लोग और हवा का और खुले आसमान के बैठने का आनंद ले रहे हैं। यहाँ सब ये जो घर दिख रहा है सब हम लोग का है और किराए पे दिया गया। जो बच्चे हैं ना ये भी सब किराए के हैं और मालकिन यहाँ है, यहाँ है। ये बच्चा घर का है, खरीदा रेडीमेड नहीं। इसका दांत देखिए, इसका दांत हम नकली लगवाए आज थोड़ा। देखिए आप सब देख लीजिए, एक घर है यहाँ, दो घर, तीन, एक पीछे भी हम लोग बनवा रहे हैं, देख लीजिए वहाँ पे। और ये कंप्लीट हो गया, सब किराए पे दिया गया है और सारी जमीन है। यहाँ हम लोग रास्ता दिए हैं, खेत में बैठे हुए हैं, ठीक। हाँ में बन रहा है काला जाम, आप सबको दिखा रहे हैं। देखिए मसाले वाला काला जाम है, ठीक। कोरियन मैगी बना रहे हैं, देखिए ये कैसा। दोस्तों कोरियन मैगी बन रहा है यहाँ पे, तो देखिए मैगी। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में कोरियन से आया। कोरियन वाला भी है, हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला सब है। इसी में मैगी जो व्हाइट वाला है, ये मैगी है, ये कोरियन है। हाँ आज बहुत सारा आइटम बन रहा है, देखिए कब तक बनता है। कितना भी सुबह भी बनाओ 10 तो 11 बज ही जाएगा ना। सही बात है। ये है व्रत वाला, ये है बिना व्रत वाला। ये सब भूखल लोग खाएंगे, ये व्रत हुए लोग खाएंगे। और दीदी इसकी तैयारी कर रही हैं। बस इतना आप लोग देख लेना, इतना आप लोग के लिए काफ़ी है, ठीक। अभी सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं और अभी तक कोई चाय नाश्ता नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के दिन सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और सूर्य ग्रहण के दिन मतलब सूर्य ग्रहण में कुछ खाया पिया नहीं जाता है, इसीलिए किसी ने चाय नाश्ता नहीं किया है। और जो भाभी हैं वो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ही सब इधर उधर उनको बहुत बचाने सब लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में जो औरतें प्रेग्नेंट हो उनको कुछ काटना पीटना नहीं चाहिए और ना ही लेटना चाहिए करवट बदल के, मतलब उनको टहलना चाहिए, बस आप टहलते रहिए। तो यही सब चीज़ें हैं जिसको बहुत ध्यान देनी पड़ती है, नहीं तो कहा जाता है कि बच्चे पे वो असर पड़ता है। और अगर आप कुछ काट पीट रही हैं तो बच्चे का कोई ना कोई अंग कट जाता है, तो इसी वजह से उनको बचाया जा रहा है, संभाला जा रहा है, कि आप ध्यान दिया जा रहा है, मतलब कि आप कुछ करने ना पाएं, उनको बताया भी गया है। तो अभी देखिए लगभग 10 बजे ख़त्म होगा और 10 बज ही गया होगा, बजने ही वाला है। और जब ख़त्म होगा तब जा कर के सब लोग नहाएंगे धोएंगे, फिर चाय नाश्ता बनेगा और सब लोग पियेंगे खाएंगे। तो यही सब है दोस्तों। अगर आप लोग भी बचाव करिएगा, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए आप लोग बचा के रहिएगा, कोई भी कार्य मत करिएगा। और घर एकदम सन्नाटा पड़ा क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि कुछ खाना पीना तो है नहीं। और भैया भी काफ़ी लेट आए थे, मतलब भोर में आए हैं ट्रेन से, तो वो भी सो रहे हैं। तो बस यही कहेंगे कि दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए कब घर जाते हैं सब लोग इधर उधर। और जो बहनी आती हैं झाड़ू पोछा करने के लिए वो भी आई थी, कर और करके गई हैं, बर्तन वर्तन धुल करके सब कुछ साफ सुथरा करके। अब सूर्य ग्रहण हटेगा तो एक बार सारा बाथरूम और सब कुछ बिजी हो जाएगा, क्योंकि सब लोग नंबर लगा लेंगे। वैसे तो बाथरूम की कमी है नहीं, 4-5 बाथरूम है इनके घर में और उतने लोग भी हैं लगभग। हम दो बहन हैं, भैया भाभी हैं, हमारी फ्रेंड हैं साधना जी और एक और भाई है बस। तो हमें और वैसे तो यहाँ पे उसका उतना असर है नहीं चंद्र सूर्य ग्रहण का, लेकिन फिर भी लोग जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बचाव करवाते हैं कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। मेरे ख्याल से सही भी है, थोड़ी बचाव कर लेने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बस यही सब चीज़ें हैं, आप लोग भी बस बचा के रहिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई भी हो उसके दौरान।
और दोस्तों जुखाम पकड़ लिया एकदम, नाक जैसा बज रहा है। बस क्या है कि दोस्तों भाभी एक गलती कर दी कि सेब काट ली, सेब नहीं काटना चाहिए था उनको। और देखिए उसके लिए बचाव कुछ है, टोटका जैसे होता ना कि सूर्य जब ग्रहण लगता है तो पेट को गोबर ओबर से गोठ दिया जाता है प्रेग्नेंट महिलाओं का, ऐसे ही वो सेब जब कट गई हैं तो कुछ उपाय मम्मी बताई हैं गांव से कि मतलब यही कर दो। अब देखिए उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अब तो राम जाने भगवान रक्षा करे, नहीं करना चाहिए था, भूल गई, दिमाग से उतर गया अपना, तो चिलाओ कट कर दें, सेब कट कर दें। तो दोस्तों यही सब बातें थी और क्या ही बताएं आप लोगों के सामने, ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग हमने पेश किया। अगर कुछ भी गलत होगा तो माफ़ करिएगा और अपना प्यार दुआ सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।